आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक धमाका हुआ जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गए। धमाके की गूंज सुनते ही कोर्ट में मौजूद लोगों में डर बैठ गया और जो जहां था वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश में लगा। तो वहीं दिल्ली पुलिस और फायर कर्मी पर मौके पर पहुँच गए। दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि कुछ देर बाद खुलासा हुआ कि ये धमाका एक लैपटॉप में हुआ था जिसका कारण शॉर्ट सर्किट था। इसके बाद भी लोग दहशत में रहे। एहतियात के तौर पर कोर्ट की सभी कार्यवाही रोक दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही ना हो इसका ध्यान भी रख रही है। दिल्ली के दमकल के मुताबिक सुबह 10:40 पर रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट की कॉल मिली। इसके बाद दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। तो वहीं हालत को संभालने के लिए रोहिणी जिले के DCP और ACP आरती शर्मा बल के साथ रोहिणी कोर्ट पहुंच गए। इस दौरान पुलिस की जांच टीम ने पाया कि कोर्ट नंबर 102 में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ब्लास्ट था जिसके बाद लोगों ने गोली चलने की अफवाह फैला दी। बता दें कि कुछ समय पहले हमलावरों ने रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग के गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने गोगी पर हमला करने वाले दोनों हमलावरों को घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया था। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।